एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ नए ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में एमएस एक्सेल की बेसिक चीजें हमने जानी थी, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, या फिर दोस्तों हम अपने कॉलम्स में सेल में डेटा कैसे फिल करते हैं, तो आज की स्टूडियो में हम जानेंगे अगरचे हमने एमएस एक्सेल में कोई डेटा बनाया है या फिर कोई टेबल बनाया है, उसका हम प्रिंट कैसे निकालेंगे और उसका हम पेज सेटअप कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर चाहे आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पेज सेटअप के बारे में। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एमएस एक्सेल में कोई हमने डाटा इंटर किया है तो उसको, या फिर हमने कोई टेबल इंसर्ट किया तो उसको हम बॉर्डर कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है बॉर्डर सीख लेते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, जितना भी आपने टेबल्स टाइप किया है, जितना भी डाटा आपने टाइप किया है, सबसे पहले शुरू से लेकर आप उसको आखिर तक यहाँ से इस तरह सा कुछ करके आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करके सारे के सारे डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही मरतबा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट वाले बार में जाइए, यहाँ पर फॉन्ट का ग्रुप है और इसके ऊपर यहाँ पर बॉर्डर का एक ऑप्शन है, इस बॉर्डर के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो है ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने अपने टेबल के चारों तरफ जो है बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल के चारों तरफ जो है बॉर्डर लग चुका है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हम जब हम प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालते वक्त हमें ये वाला टेबल जो है हमारा कैसा दिखाई देगा, हमारा पेज कैसा दिखाई देगा। प्रिंट निकालने के लिए आप जो है यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे जाइए, फाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप सिंपल जो है इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे प्रिंट पे जाने के बाद। दोस्तों हमेशा प्रिंट निकालने से पहले आप बात एक याद रखिए, जब भी आप प्रिंट निकालते हैं तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका पेज जो है प्रिंट होने के बाद आपका कैसा दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पेज दिखाई देगा जो कि आपका प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आपका निकलेगा पेज, उस तरह का पेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इस तरह से दोस्तों अगर आपके पेज में किसी किस्म की आपके टेबल्स में गलती है या फिर कहीं से आपका टेबल जो है वो कट रहा है, तो आप सिंपल जो है सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइए और अपने पेज को देखिए कहाँ से उसका मसला है, कहाँ से आपका पेज जो है सही नहीं है, तो आप सबसे पहले उसको सही कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है उसका प्रिंट निकालिए। अगरचे दोस्तों आपके पेज में किसी किस्म की गलती है तो इसके लिए आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर मर्जिन्स है, ओरिएंटेशन है, यहाँ पर साइज है, प्रिंट एरिया है और ब्रैक है, और यहाँ पर बैकग्राउंड है और प्रिंट टाइटल है। दोस्तों यहाँ पर हम ओरिएंटेशन के बारे में जान लेते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे ही आप यहाँ पर अपने पेज को पेज प्रिंटर से निकालेंगे तो यहाँ पर या फिर आपका पेज जो है वो रोटेट होगा, या फिर लैंडस्केप होगा, या फिर आपका पेज जो है वो खड़ा हुआ आएगा, या फिर आपका तिरछा आएगा। तो यहाँ पर हमने अपना पेज जो है पोर्ट्रेट यहाँ पर हमने रखा हुआ है, पोर्ट्रेट के हिसाब से हम यहाँ पर अपने पेज को प्रिंट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर जो आपके पास यहाँ पर बहुत बड़ा टेबल है, यहाँ पर आपके पूरी एक्सेल की शीट पर यहाँ पर आपका बहुत बड़ा टेबल है, तो आप उसको कैसे प्रिंट निकालेंगे, उसको आप यहाँ पर लैंडस्केप का यूज कीजिएगा, जिसको बोलते हैं तिरछा, ताकि आपका प्रिंट जो है वो अच्छे से निकल सके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है पेज साइज, यहाँ पर आप जो है अपने प्रिंटर में पेज का कौन सा साइज यूज करते हैं। अगरचे दोस्तों यहाँ पर आपके पास A4 पेज है तो यहाँ पर आप A4 पेज को सिलेक्ट कीजिए, अगरचे आपके पास यहाँ पर लीगल पेज है तो आप सिंपल जो है यहाँ पर लीगल को सिलेक्ट कीजिए। ये दोनों साइज आपको मार्केट में दोस्तों बड़े आसानी के साथ मिल जाते हैं, लेटर भी आपको मिल जाता है, लेकिन दोस्तों A4 पेज और यहाँ पर लीगल पेज आपको बड़े आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाएगा और लेटर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर जो दोस्तों आप लीगल में प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल जो है लीगल को प्रिंट सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लीगल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइन जो है वो और पीछे चली जाएगी, यानी कि दोस्तों आप इसमें और भी डाटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वाला प्रिंट जो है हम A4 पेज पे ही लेंगे। यहाँ से मैं A4 पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है प्रिंट प्रीव्यू फिर से चेक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टेबल में यहाँ पर हमारा प्रिंट जो है फिट आ रहा है। अब दोस्तों हम इसका प्रिंट निकालेंगे,
प्रिंट कैसे निकालेंगे, या फिर दोस्तों आप इसका सीधा सीधा जो है कीबोर्ड का यूज कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल पी का प्रेस करके, जैसे ही आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, या फिर दोस्तों आप प्रिंट प्रीव्यू से भी आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके यूज करने से आपका प्रिंट करने का तरीका जो है वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपके प्रिंट करने के यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रिंटर, आप बाय डिफॉल्ट जो भी आप ऑप्शन यूज करते हैं वो यहाँ पर लगा रहता है। अगरचे दोस्तों आपके पास एक से ज्यादा प्रिंटर हैं, तो सबसे पहले आप उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर दीजिए और सिलेक्ट करने के बाद उसको प्रिंट निकालिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपीज, आप अपने प्रिंट की कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, आपका जो पेज है उसकी आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं। अगरचे आप कॉपीज 2-3 या फिर 4-5 निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपल जो है सेट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसकी सेटिंग देखने को मिलेगी, प्रिंट एक्टिव शीट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट इंटायर वर्कबुक या फिर प्रिंट सिलेक्शन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है पेज है और टू है, यहाँ पर आप पेज कितने करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपने पेज भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कलेक्टेड नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कलेक्टेड, अनकलेक्टेड, और इसके बाद यहाँ पर आपने पेज का साइज जो सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पर जैसा कि मैंने A4 साइज यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से अगर आप A3 सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर A3 में आप चाहते हैं, अगर आपका पेज जो है उसका प्रिंट जो है A3 में आए, तो यहाँ पर आप सिंपल जो है लीगल भी कर सकते हैं और लेटर भी कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसके बाद यहाँ पर अपने पेज के जो मार्जिन हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं, पेज के मार्जिन आप किस किस्म के रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं या फिर वाइड रखना चाहते हैं या फिर नैरो रखना चाहते हैं, तो आप यहां से सिलेक्ट कीजिए। और यहां से इसके बाद यहां पर दूसरा ऑप्शन है, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है पेज सेटअप के बारे में, और नाउ स्केलिंग, यहां से फिट शीट ऑन वन पेज, या अगर आप अपनी शीट जो है एक्सेल की शीट उसको एक पेज पे फिट करना चाहते हैं, तो यहां से आप सिंपल जो है यहां पर ऑप्शन जो है यूज करके आप सारे के सारे सेट करके आप अपने पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप प्रिंट निकालना सीखे होंगे, हम अपने पेज का सेटअप कैसे करते हैं, आप पेज का सेटअप भी करना सीखे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।